दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज की बड़ी खबर, आज हम आपको बताएंगे यूपी पंचायत चुनाव 2021, यहां इलेक्शन लड़ने योग्य नहीं है 80% मौजूदा ग्राम प्रधान। तो दोस्तों कौन से वो ग्राम प्रधान है जो नहीं लड़ पाएंगे इस बार यानी इलेक्शन, तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके पास आए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि आप देख सकें हमारी नई नई वीडियो सबसे पहले। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। यूपी पंचायत चुनाव 2021, यहां इलेक्शन लड़ने योग्य नहीं 80% मौजूदा ग्राम प्रधान। जी हां दोस्तों, ग्राम प्रधान बीटीसी और जिला पंचायत सदस्यों का कार्यकाल यानी 25 दिसंबर में समाप्त होने जा रहा है। गोड़ा जिले में यानी बजीरगंज विकास में इस बार चुनाव में लगभग 80% प्रधान बीटीसी और जिला पंचायत सदस्य चुनाव लड़ने नहीं लड़ पाएंगे। कारण है कि 80% यानी 80% में चुनाव खर्च की जमा नहीं किया है। कोरोना संक्रमण के चलते दिसंबर में होने वाले तृतीय चुनाव समय पर नहीं हो पाएंगे। चुनाव फरवरी मार्च या फिर अप्रैल मई में हो सकते हैं। इस बार चुनाव लड़ने का सपना देख रहे मौजूदा प्रधान बीटीसी व जिला पंचायत सदस्य में से 80% का सपना यानी केवल सपना ही रह जाएगा, क्योंकि इनमें से 80% लोगों के चुनाव आयोग के नियमों और दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया है। चुनाव के समय आयोग की और से चुनाव में होने वाले खर्च का ब्यौरा जमा करने के निर्देश दिए गए थे। साथ ही चुनाव में हुए खर्च का ब्यौरा नहीं देने वालों को चुनाव लड़ने के लिए आयोग घोषित होने की हिदायत भी दी जाएगी। ऐसे में चुनाव में जीतने और हारने वाले लगभग 80% लोगों ने इसका पालन नहीं किया है। अब आगामी चुनाव में नामांकन के समय ये देखा जाएगा कि किसने ब्यौरा दिया है और किसने नहीं दिया है। जिन लोगों ने ब्यौरा नहीं दिया है उन्हें चुनाव लड़ने के लिए आयोग माना जा सकता है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी तरफ जंग राजेश कुमार बताते हैं कि चुनाव के निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का 100% पालन किया जाएगा। आयोग द्वारा ऐसे लोगों पर निर्णय लिया जाएगा। निर्णय अनुसार जो कि आयोग होगा उसे चुनाव लड़ने की परमिशन नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक अपना खर्च का ब्यौरा सरकार को नहीं दिया है तो इस बार आपको इलेक्शन लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप अपने चुनाव खर्च का ब्यौरा सरकार को दें यानी निर्वाचन आयोग को दें, तभी आपको इस बार मिलेगा चुनाव लड़ने का मौका। और ये चुनाव मई जून में होने वाला है। तो दोस्तों ये चुनाव मई जून में होगा और इन्हें नहीं मिलेगा यानी 80% ग्राम प्रधानों को इस बार नहीं मिलेगा चुनाव लड़ने का मौका। यानी जिन लोगों ने अपने चुनाव का खर्चा का ब्यौरा नहीं दिया है उन्हें इस बार चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। तो दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपने अपना कीमती समय दिया इसलिए आपका बहुत बहुत